आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VVM माइक्रो प्रोग्रामिंग में लूप रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें आधी प्रोजेक्ट मैंने इससे पहले की क्लासेस में कंडक्ट की हुई है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में कुछ और एडिशंस है वो हम करना चाहेंगे। तो फटाफट बता दूं ये प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं इसमें करना चाहता हूँ कि जितने भी शीट है सारे शीट का डेटा एक के नीचे कलेक्ट करना चाहता हूँ। पहली मैं ये करना चाहता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले की क्लासेस में भी किया है, बट इसमें थोड़ी सी फेरबदल है जो कि हम आपके साथ करेंगे। तो हम विजुअल बेसिक में जाते हैं। एक मिनट, विजुअल बेसिक पे आते हैं और यहां पे करते हैं हम इंसर्ट मॉड्यूल्स, और मैं यहां सब्जेक्ट देता हूं, सब्जेक्ट कॉपी। तो मुझे क्या करना है, जितने भी शीट है सारे शीट का डेटा एक के नीचे एक पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2। अच्छा स्क्रीन छोटा दिखेगा तो बता दीजिएगा, हम इसको बड़ा कर देंगे काउंट। तो जितनी सीट है उतना बार चले, लेकिन प्रॉब्लम है कि फिर डेटा सीट भी तो है इसमें है। तो यहाँ हम कंडीशन देंगे कि इफ सीट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, यहां पे एंड इफ। मुझे इसके बीच में प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें जाना है सीट्स आई, मतलब कि पहले सीट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेंज A1 को सिलेक्ट करना है, डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। वापस हमें डेटा शीट्स पे आना है, शीट्स डॉट डेटा डॉट सेलेक्ट। वापस हमें रेंज A65000 डॉट एंड यहाँ पे x/up डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट एज वैल्यू करना चाहे तो आप पेस्ट एज वैल्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसमें क्या हुआ कि हेडिंग भी कॉपी हुआ होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, डिलीट कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी सीट का डेटा है सारे डेटा यहाँ एक के नीचे हमारा कॉपी पेस्ट डेटा शीट भी हो गया। अब मुझे इसमें चेंजिंग क्या चाहिए, हर सीट का नेम यहाँ मुझे चाहिए, जो सीट्स का नेम है वो यहाँ पे आना चाहिए, ताकि कल के डेट में मुझे अगर इसको सेपरेट करना हो तो हम सीट के बिहाव पे अलग अलग सीट में सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे कि dim सीट नेम एज ए स्ट्रिंग, और यहां सीट नेम को आई यहां पे स्टोर कराएंगे कि n इक्वल टू सीट्स आई डॉट नेम। उसके बाद हमें जैसे मान लीजिए कि हम एक डेटा उठाया, हमने यहां से इसको कॉपी किया, डेटा पे आया, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और हमने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जी कॉलम के नीचे से ऊपर आना है और रो की मदद से इसके आगे अगली सेल में जाना है, जहाँ से मैं इस ब्लैंक को सिलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे रेंज, अब यहाँ पे जी फिक्स है लेकिन हो सकता है आपका फिक्स ना हो, तो उसके लिए उस केस में हम कोई और कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में रो 0 होगा कॉलम 1 होगा डॉट सेलेक्ट। तो अभी इस कोड से जो कोड है इस कोड से कर्सर मेरा यहां आ जाएगा। अब इसे ऊपर लेके जाना है तो रेंज
रेंज में मैंने बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो है एक्टिव सेल और एंडिंग पोजीशन है एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0। एक रो इसलिए नीचे आ रहा हूं ताकि जो सीट का नाम है, क्योंकि जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की जाऊंगा तो हेडिंग भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑफसेट यूज किया ताकि एक नीचे आ जाए। यहां से कंट्रोल शिफ्ट एक नीचे हमने किया ताकि ये आ जाए ऑफसेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एल, जो कि हमने सीट ने ऊपर स्टोर किया है। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं अपने डेटा को और फिर वापस इसको हम कवर करते हैं। हर सीट का नेम आप देख रहे हैं यहां पे आ गया हुआ डेटा आपका, यहां पे हर सीट का नेम के साथ उसका डेटा यहां दिख गया। तो यहां तक साहू जी समझ में आया आपको? हाँ सर। चलिए इसमें अगला जो काम हमारा आता है वो आता है कि अभी जो मेरा डेटा है, जो इसमें डेटा है हमारा, ये डेटा सेम द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, डेटा की तरह ही है दोनों, मतलब हर सीट का जो सीक्वेंस है डेटा सीट के सीक्वेंस के बराबर। बट ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो डेटा है यहाँ मिक्स मैच, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, आप देख सकते हैं कि अब मैंने अपने डेटा को मैंने अनसिक्वेंस कर दिया है। अब मुझे अपने कॉलम के बिहाफ पे, जो कॉलम है उसके बिहाफ पे मुझे डेटा लुकअप करना होगा, तो उसके लिए एक कोड नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ और कोड लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल लूप्स का यूज किया जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम अलग माइक्रो बनाते हैं, कॉपी वन के नाम से। यहां भी लूप जो है पूरा चलेगा, फोर आई इक्वल टू चले वन टू सीट्स डॉट काउंट और ए ऊपर हमने जो डिम एम एज ए स्ट्रिंग किया है ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इफ कंडीशन भी रहेगा कि इफ Sheets I dot name is not equal to data, क्योंकि डेटा शीट पे कॉपी पेस्ट करना है इसलिए। तो यहाँ पे next I और उसके ऊपर यहाँ पे and if, अब जो भी प्रोग्रामिंग कर रही है इन्हीं के बीच में करना है। अब इसके अंदर मुझे जो है एक और फोर लगाना पड़ेगा, ये फोर क्योंकि मैं एक एक कॉलम करके पेस्ट करूंगा, मैं डेटा कॉपी इकट्ठा कॉपी नहीं करूंगा, वन टू सिक्स, सिक्स नहीं सेवन होगा ना, नेम भी तो है सिक्स, और यहां पे नेक्स्ट जे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल लेना है कॉलम नंबर के लिए कि dim c as a long और यहां पे देना है c equal to application dot worksheet function dot match। ओके यहां पे long दे दिया मुझे, यहां as a variant मैच, मैच में हमें जो ढूंढना है वो ये ढूंढना है रेंज नहीं अलग अलग कॉलम है, हम रो एंड कॉलम लेके चलना है। सेल्स रो तो हमारा वन है एंड कॉलम हमारा हो जाएगा जे डॉट
वैल्यू। किसमें मैच करना है? तो मैच करना है सीट्स आई डॉट रेंज 1/1 एंड कॉमा 0। तो मैच एक नंबर देगा जो कि सी पे स्टोर करेगा, वो हमारा कॉलम नंबर होगा। अब जाएंगे हम सीट्स आई के ऊपर डॉट सेलेक्ट, उसके बाद एक और वेरिएबल हम यहां बनाएंगे डिम आर, यहां पे आर एज ए रो इंटीजर, और यहां पे हम देंगे आर इक्वल टू रेंज 65,000, क्योंकि मुझे लास्ट रो पता नहीं है ना, कॉलम तो चलो सी आ जा रहा है, मैच जो है नेम का, जैन का, फाइव का, सबका कॉलम दे रहा है, बट मुझे उसका लास्ट रो नंबर नहीं पता है कि डेटा कहां तक है। तो मैं यहां 65,000 कर रहा हूं और यहां से कर रहा हूं एंड एक्सलेस अप, और इसकी जो रो नंबर है वो रो नंबर हम आर पे स्टोर कर दे रहे हैं। तो हमारे कॉलम नंबर यहां आ गया, लास्ट रो नंबर ये आ गया, तो हम यहां पे लिखेंगे रेंज, और स्टार्टिंग है हमारा सेल्स, सेल्स में रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर सी है, और वापस एंडिंग में भी हम लिखते हैं सेल्स, रो नंबर हमारा आर है और कॉलम नंबर सी है। हमने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस हम आएंगे डेटा शीट्स पे, शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जे से पर एक और मुझे यहां पे डिम लास्ट रो एज ए लॉन्ग करना पड़ेगा, और ए फोर स्टार्ट होने से पहले एल आर इक्वल टू, मतलब कि कॉपी पे करने से पहले हमारा डेटा कहां था, किस रो पे था, वो पता करना जरूरी है। सो रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट रो, इस एलआर पे हमें पेस्ट करना है। तो हमें पेस्ट कहां करना है, रेंज रेंज नहीं यार सेल्स होगा, माफ कीजिएगा, सेल्स, सेल्स में हमारा होगा एल एल आर हमारा रो होगा और हमारा जे कॉलम होगा, डॉट पेस्ट स्पेशल, उसके बाद पर हम सीट डॉट काउंट करके आई कर रहे हैं, यहीं पे हम एन इक्वल टू सीट्स, और सीट्स में हम कर देते हैं आई डॉट नेम पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम इसको ये हमारा ए खत्म हो गया। तो है हमें क्या करना है, जो सीट नेम है उसको पेस्ट करना है। जी हाँ, सीट नेम जो है उसको पेस्ट करना है। यहाँ सेम जो हम सर सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पावर कट है और मेरा मोबाइल का भी
पावर का यानी कि बैटरी लो है तो कभी भी ये हो सकता है। आप ये डालेंगे ना यूट्यूब पे? जी हाँ जी, डाल तो मैं वहाँ से ले लूँगा। अभी तक हूँ, जब ख़त्म हो जाएगा तो सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमने एंड कर दिया। अब इसको मैं ऐसे रन नहीं कर रहा, मैं इसको वन बाय वन रन कर रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। तो मैंने एक मिनट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सेल में डबल एस हमने कर दिया था। हाँ अब सही है, एफर्ट कर रहा हूँ मैं। फोर आई किया, सीट काउंट किया, सीट का नेम चेक कर लिया, सीट एन पे स्टोर कर दिया। देखिए एन पे इसने स्टोर कर दिया आपका सीट वन। एल आर इसने ले लिया कि भाई डेटा हमें दो पे टाइप करना है। फोर जे किया और यहाँ पे मैच का फॉर्मर लगाया और सी के ऊपर इसने नेम को सर्च करके वन दे दिया कि पहले कॉलम में है सीट वन, पहली सीट पे जा रहा है। और फिर ए रेंज ए 65,000 से ऊपर जाके इसका लास्ट रो पता कर लिया कि लास्ट रो कहाँ है, मतलब कि डेटा कहाँ तक है, 24 तक है। तो इसने 2 से लेके 24 तक का डेटा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस गया सीट्स डेटा शीट्स पे और इसने पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट, अब इसने क्या है कि दूसरी वैल्यू को कॉलम नंबर 2 ही है तो दूसरी वैल्यू पे गया, इसने जैन के डेटा को कॉपी किया और इसने पेस्ट कर दिया। देन वापस गया फैब का डेटा कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। वापस गया मार्च को डेटा कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। वापस गया इसने अप्रैल का डेटा को पेस्ट कर दिया, फिर इसने मई को डेटा को पेस्ट कर दिया, फिर इसने जून का डेटा को पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर इसने सीट नेम पेस्ट कर दिए और फिर नेक्स्ट आई चला, फिर इफ कंडीशन चलेगा, फिर सेकेंड सीट जाएगी उसकी लास्ट नंबर पता करेगा, फिर ये फुल पूरा एप्लीकेशन को रन करेगा और रन करके फिर वापस आएगा, डेटा को कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा और इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करता चला जाएगा। फाइव के बाद मार्च कहाँ है, देखिए जंप करके ना जून को कॉपी नहीं किया, समझ में सर? विजय जी सर, इस तरह से मिस कोई अब बताइए इसमें डाउट तो नहीं है आपको सर? नहीं नहीं सर, इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन ये जो डेटा आपने अभी लिया ना, जैसे अभी जो पर्सन के नेम है, हेलो हाँ सुनिए बताइए। हाँ तो सर, उसमें अगर हमें जैसे कोई ग्रुप हो, जैसे एक स्टेट हो, जैसे गुजरात का कुछ डेटा है, महाराष्ट्र का डेटा है, ठीक है, तो ऐसे एक डेटा सीट वन में है, यानी स्टेट वाइज डेटा है, एक सीट वन में, सीट टू, सीट थ्री और सीट फोर में है, ठीक है, तो मुझे ये चारों सीट का डेटा स्टेट वाइज एक अलग फाइल क्रिएट करना है, अलग वर्कबुक, यानी एक फाइल अलग क्रिएट करना है। स्टेट सिचुएशन के हिसाब से कोड लिखा जाता है। एक काम कीजिए, मुझे सैंपल डेटा मुझे भेज दीजिए, कल की क्लास के हम ये प्रोजेक्ट ले लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं एक सैंपल बना के उस पे थोड़ा वर्क करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं सर। तो ये हमने आपको बताया कि डेटा कलेक्शन, कि हाउ कैन कलेक्ट योर डेटा, और अगर आपकी ये सिक्वेंस अलग अलग है, मतलब कि जरूरी नहीं कि सारे डेटा का सिक्वेंस है कॉलम एक जैसा हो, अलग अलग कॉलम्स भी हो सकते हैं, उस केस में क्या हो उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ ये भी है कि अगर किसी कॉलम का डेटा, मान लीजिए किसी कॉलम में कोई फील्ड है ही नहीं, सीट थ्री में कोई फील्ड है ही नहीं, तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सीट थ्री को पेस्ट नहीं करेगा, वो एरिया को ब्लैंक छोड़ देगा। जी हाँ, उस एरिया को ब्लैंक छोड़ देगा। यहाँ इसने एरर दिया क्योंकि मैच इसने कॉन्केटनेट ने जो एरर दिया है, इसने जो एरर दिया है वो आपका दिया है मैच ने इसको ढूंढ नहीं पाया सर, मैच जो है इसको ढूंढ नहीं पाया। तो इसको इसके लिए क्या करना होगा, हाँ इसके लिए मुझे यहाँ पे इसके ऊपर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिज्यूम नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ हम एक सिंपल सा लिख रहे हैं कि इफ
error e double r is greater than equal to zero, then a program chale yahan ye pura aur yahan pe and aur fir yahan pe hame kya kar dena hai, hame yahan kar dena hai error इक्वल टू जीरो। बस ये छोटा सा कोड आपको डालना है, अगर एरर आता है तो उसने एरर को बाइकआउट कर देगा और सीक्वेंस फॉलो करेगा। एक बार ट्राई करके बताता हूँ कैसे होगा। हाँ, ये ब्लैंक छोड़ दिया ना मार्च का। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में इससे आगे चीजों पे डिस्कस करेंगे।